आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्नस्ट इक्वेशन को समझेंगे। नर्नस्ट प्रपोज्ड द इक्वेशन फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी नर्नस्ट ने एक इक्वेशन प्रतिपादित की जो सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सांद्रता में संबंध दर्शाती है। किसी सामान्य इलेक्ट्रोड के लिए हम समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, Mn प्लस प्लस एन ई इक्वल टू एम। यानी मेटल आयन इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करता है तो वो मेटल में परिवर्तित हो जाता है। इस अवस्था में नर्नस्ट समीकरण इस प्रकार हो सकती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ई एम एन प्लस अपान एम। यानी ये है इलेक्ट्रोड विभव इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस अपान एम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस आर टी अपान एन एफ लॉग एम एस अपान एम ए क्यू एन प्लस आयन। अब यहाँ आर जो है गैस स्थिरांक होता है, गैस कांस्टेंट, और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कैपिटल लॉग है उसको जब हम स्मॉल लॉग में परिवर्तित करते हैं तो एक रिलेशन देख रहे हो आप, कैपिटल लॉग इक्वल टू 2.303 लॉग 10। तो जहाँ आप आईएन देख रहे हो उसके स्थान पर हम लॉग 10 यदि लिख दें तो ये समीकरण इस प्रकार से बन जाती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ लॉग 10 कंसंट्रेशन ऑफ मेटल अपान कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं उसको पढ़ने का तरीका है इस प्रकार होता है। इस समीकरण को हम नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि ये जो समीकरण है, ये समीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव गैस कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप फेराडे और कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन यानी जो धातु आयन की सांद्रता है उनके बीच में संबंध दर्शाने वाली समीकरण जो है नर्नस्ट समीकरण कहलाती है। यहाँ पर ई एम एन प्लस अपान एम इक्वल टू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड विभव। फिर ई एम एन प्लस अपान एम ई नॉट है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड प्रमाणिक इलेक्ट्रोड विभव है। एम एन प्लस ए क्यू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन है, ये अर्थात धातु आयन की सांद्रता है। एम एस यानी कंसंट्रेशन ऑफ मेटल धातु की सांद्रता है। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप है। आर की वैल्यू एसआई पद्धति में 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एफ फेराडे है जिसका मान 96,500 कूलम के बराबर होता है। अब यदि हम ये मान ये ऊपर वाली समीकरण में हम रख दें तो आपको जो समीकरण प्राप्त होगी वो इस प्रकार से प्राप्त होगी, ई एम एन प्लस अपान एम यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इक्वल टू ई नॉट यानी प्रमाणिक विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग एम एस अपान एम ए क्यू एन प्लस आयन। यहाँ पर तो एम एस यानी कि मेटल जो जिसका इलेक्ट्रोड है उसका कंसंट्रेशन है और एम एन यानी मेटल आयन का कंसंट्रेशन है। अब इस ये उसका सिंपल फॉर्म ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन है। अब इस समीकरण में हम गैल्वेनिक सेल के लिए किस प्रकार से निकालेंगे आइए हम देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम गैल्वेनिक सेल के लिए लिख सकते हैं नर्नस्ट इक्वेशन या डेनियल सेल के लिए। तो गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है।
जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए एनोड और कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए कैथोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर इलेक्ट्रोड पर जो है रिडक्शन होगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन फॉर कैथोड इलेक्ट्रोड, तो आप देखिए यहाँ पर हमने किस प्रकार से लिखा है। पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फिर कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए आपने यहाँ पर रिएक्शन लिखी है। तो ई एम एफ ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपान टू एफ और कैपिटल लॉग अपान वन अपान कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो यहाँ एन की वैल्यू टू है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो चेंज हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसी प्रकार से एनोड इलेक्ट्रोड के लिए भी आप इक्वेशन लिख लेंगे। तो एनोड इलेक्ट्रोड के लिए आपने ये इक्वेशन लिख ली है। तो यहाँ पर ई एम एफ ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपान टू एफ आई एन अपान वन अपान जिंक आयन का कंसनट्रेशन। अब हम जानते हैं कि जो ई सेल होता है वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इस प्रकार से यहाँ पर इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को माइनस कर देंगे तो आपको ये इस प्रकार की इक्वेशन मिलेगी। ई सेल इक्वल टू ये जो ई कैथोड की इक्वेशन है यानी कॉपर इलेक्ट्रोड की इक्वेशन में से जिंक इलेक्ट्रोड की इक्वेशन को घटा देंगे तो हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो इस प्रकार से मिलेगी। ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड माइनस कर देंगे, फिर माइनस आर टी पॉइंट टू एफ ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लॉग वन अपान कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर में से लॉग वन अपान जिंक आयन के माइनस कर देंगे। अब इस इक्वेशन